Close the drawers. Assalamualaikum. I hope everyone is doing great. तो आज का व्लॉग होगा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में होगा, और वो ये होगा कि हम पहले करेंगे कुछ ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट खबरों पे बात, और उसके बाद जाएंगे हम अपने रूटीन की तरफ. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग, बट उससे पहले डू सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके, तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे संजीदा मसले पे बात डिस्कस कर लेते हैं, वो है दुआ जहरा का. अल्लाह करे वो बच्ची जल्द से जल्द अपने घर आ जाए, अपने माँ बाप के पास आ जाए. लेकिन जो अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि उसने निकाह किया और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से किया है. सबसे पहली बात, 14 साल की बच्ची का निकाह लीगल नहीं है, तो वो मर्ज़ी कहाँ से शामिल हुई, क्योंकि वो लीगल ही नहीं है, वो निकाह है ही नहीं. सही है, तो हमें नहीं पता है कि वो उससे किसी ने ज़बरदस्ती करवाया है या क्या है. तो उसको अभी से पहले ही से अब्यूज़ करना कहीं की भी इंसानियत नहीं है. प्लीज़ उसके लिए दुआ करते रहें ताकि वो सही सलामत इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने घर आ जाए. ओके जी, तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग तो यूट्यूब पे चल रहा है हमारे डक्की भाई की शादी. मुबारक हो डक्की भाई, आपकी माशाल्लाह से शादी हो गई है और हमारे फेवरेट यूट्यूबर की शादी हो गई है. हम तो बहुत खुश हैं और माशाल्लाह से कपल बहुत खूबसूरत है. और यार इसके लिए बहुत मुश्किल था यार, ये इसने रोना शुरू कर दिया. तुम लोगों को पता नहीं है, ये यूट्यूबर नहीं थी, ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है. तुम बड़ा उदास हो, तुम्हारी शादी हो रही है, उदास हो रही हो. हाँ तो भाई, ये खबर सुन के और कौन कौन उदास है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है क्योंकि हमारे लड़की भाई की शादी हो गई, माशाल्लाह. और सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं थोड़ी सी पॉलिटिकल. पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट तो नहीं है और इतना मुझे कोई नॉलेज भी नहीं है, लेकिन जो काम की बात है वो ये है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर. जी हाँ, पीटीआई के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर. और इस हैशटैग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जाएं, ट्रेंडिंग करते जाएं, बिकॉज हमें ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए. अजीब ज़बरदस्ती की गवर्नमेंट जो कि सर पे ला के रख दी है, किस खुशी में रखी है पता नहीं. भाई सब ने कम्प्लीट किया अपना टेन्योर, अगर इमरान खान भी कम्प्लीट कर लेता तो किसका क्या चला जाता? ऑफकोर्स इन लोग का चला जाता क्योंकि इन लोग के इतने ऊपर केसेस चल रहे थे और सारे केसेस अचानक से ख़त्म हो गए. तो ये कोई इंसाफ नहीं है और ये हमारे मुल्क में इंसाफ तो है भी नहीं. तो हमें ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट एंड सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा. हमारा रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा है और अब तो रमज़ान ख़त्म हो रहा है, बट इट्स ओके. अच्छा ये देखें ये क्या हो रहा है, पहले ये बता देते हैं. हम बना रहे हैं बिरयानी. जी हाँ, तो बिरयानी का कोरमा ऑलमोस्ट डन. ये चावल यहाँ पर भिगोए हुए हैं और बस ये बिरयानी बन रही है. अच्छा जी, तो अब और बातें करते हैं जब तक कि ये मैं काम कर लेती हूँ. एंड ये देखें, ये बिरयानी बन चुकी है और ये देखा मैं कितनी फास्ट हूँ. खैर बस झटपट सी बिरयानी मैंने बनाई है. ये तो है डिनर, अब हम इफ्तारी की तैयारी भी करेंगे और साथ में बहुत सारी बातें भी करेंगे. तो ये बताएं आप लोग का कैसा दिन जा रहा है और आप लोग का रमज़ान कैसा जा रहा है? सबने ईद की शॉपिंग कर ली है क्योंकि दिन तो बहुत कम रह गए ऑफकोर्स, और आखिरी अशरा भी शुरू हो गया है. तो साथ में ये देखते जाएँ, इफ्तारी की तैयारी भी हो गई है. जैसे बिरयानी बन गई है तो इफ्तारी की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सब गैदर करके रख लिया है. चिकन बॉईल किया है, चिकन के पकौड़े बनेंगे बच्चों के लिए. एंड ये मैंने रोल समोसे. हाँ जी, तो ये देखिए सब कुछ असेंबल किया हुआ है. कोई ज़्यादा चीज़ें इफ्तारी में नहीं बन रही हैं क्योंकि ऑफकोर्स डिनर बहुत ही मज़े का बना लिया है मैंने, क्योंकि बिरयानी बनाई है. बस टाइम का तो पता ही नहीं चलता है, हो गए हैं अफ्तारी में फ्राई करने का टाइम और अब फ्राइंग शुरू करते हैं. ऑफकोर्स डेली काम यही है अभी तो हमारा, एंड फ्राई करते हैं जो यूजली अभी कर रहे हैं, यही रूटीन बनी हुई है. आप लोग बताएं आप लोग की क्या है प्रिपरेशन, कितनी हो गई है? मेरी शॉपिंग इनकम्प्लीट है और मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं अभी स्टिल, बट खैर. अच्छा ये देखें, समोसे हो गए हैं फ्राई, अब हम करेंगे रोल को फ्राई और उसके बाद फिर प्याज के पकौड़े एंड फिर चिकन के पकौड़े. तो ये सब फ्राई करते हैं और साथ में हम प्लेटें सब दस्तखान पे रखना और ये सब करना भी मुझे ही पड़ता है ऑफकोर्स. तो ये सभी मैं साथ में कर लेती हूँ
एंड बच्चे भी मेरी हेल्प करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। एंड हाँ जी टन टन रोल भी हो गए हैं फ्राई। अब हम करेंगे प्याज के पकौड़े और इसमें बहुत सारा प्याज और बेसन कम होता है तो बहुत मज़े से क्रिस्पी से पकौड़े बनते हैं। साथ में हरी मिर्ची डालें आप, इसमें धनिया डालें और साथ में ज़ीरा और लाल मिर्च, हल्दी, नमक ये सब डाल के इसको फ्राई करें। बहुत मज़े के बनते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी से पकौड़े बने हैं। और ये पकौड़े हो रहे हैं तैयार और साथ में फिर और एक सारी हो गई थी हमारी इनकम्प्लीट। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ, आप वो वाला ब्लॉग भी जाके देखें और थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं आपको किस तरह की चीज़ें पसंद हैं। और अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है ब्लॉग में वो भी बताएं, ऑफ कोर्स आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये देखें पकौड़े हो गए हैं हमारे फ्राई। सो जी व्हाट्स नेक्स्ट, अब ये भी देखते हैं। ऑफ कोर्स चिकन के पकौड़े हैं आप और वो भी तलने हैं और बहुत सारे तलने हैं। अच्छा चिकन के पीसेस छोटे छोटे से मैंने कर लिए थे कि खाना भी ईजी होता है और ऑफ कोर्स बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है, नहीं तो पहले मैं बड़े बड़े चिकन के पीसेस के बना लेती थी, बट बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा आसान हो जाता है इसको च्यू करना, तो इसलिए चिकन के पीसेस मैंने छोटे कर लिए हैं। इसमें चिकन में मैंने वही डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, नमक, लाल मिर्च एंड हल्दी और कुछ भी नहीं डाला है। साथ में जो इसका बेसन मैंने इसको खोला है इसमें मैंने डाला था थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी लाल मिर्च, नमक एंड लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट और बस और यही डाला था। और उसके बाद अभी हम कर रहे हैं चिकन के पकौड़े फ्राई। एंड और क्या बातें करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर आप लोग बताएं कि ईद के क्या प्लान्स हैं और ईद की तैयारी हो गई है या नहीं हुई है। गर्मी तो बहुत है तो किस तरह के ईद के ड्रेस पहनना आप लोग पसंद करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स इतना हैवी या रेशमी ड्रेस तो मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती पहनना जितनी गर्मी है अभी, और उसके साथ उसकी हैवी जूली इम्पॉसिबल है। तो आप लोग बताएं आप लोग को क्या पसंद है और उसके बाद आपका क्या होती है रिवायती, किस तरह से आप लोग मनाते हैं, क्या करते हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं वो भी बताएं। एंड ईदी का भी बताएं क्यों कितनी ईदी ऑलमोस्ट जमा हो जाती है। पहले हम लोग बचपन में यही देखते थे कि किसकी कितनी ईदी जमा हुई है और स्कूल में जाके तो ये काम ज़रूरी करते थे कि अपनी ईदी थोड़ी ज़्यादा बता देते, क्योंकि हमें लगता था हम ही कमी मिली हैं, हमारे ख़ानदान वाले कंजूस हैं। लेकिन बाद में यही था अंदाज़ा कि नहीं सबके ही ऐसे होते हैं और सब स्कूल में आके एक दूसरे को सिर्फ बड़ाई मारने के लिए अपनी ईदी ज़्यादा बताते थे और सभी हरकत करते थे। तो ये बात है, कंक्लूजन ये है कि सारे ही ख़ानदान वाले कंजूस निकले और सबकी ही ईदी कम होती थी, किसी की भी ज़्यादा नहीं होती थी। खैर पुराने रेस थे, अभी का क्या है, अभी भी आई गैस अभी के भी बड़े कंजूस ही हैं, हम भी कंजूस ही होंगे जो हमारे बच्चों को देंगे वो भी कंजूस होंगे, लेकिन मजाक की बात है। लेकिन जो अपने होते हैं वो फिर बहुत ही अच्छे से ऑफकोर्स ख्याल करते हैं और बस यही ईद का मज़ा है। अच्छा जी खजूर निकाल लेते हैं हम, और ये खजूर निकाल लिया है हमने, अब साथ में निकाल लेते हैं हम शरबत, ठंडा ठंडा सा ये शरबत निकाल लिया। शरबत में मैं टैंग और रूह अफ़ज़ा दोनों मिक्स करती हूँ क्योंकि अच्छा सा हैवी सा टेस्ट आता है। ओके बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी हो गया इफ्तारी का टाइम, तो टिल देन टाटा बाय बाय। ओके जी वी आर डन विद आर इफ्तार, और इफ्तार के बाद थोड़ा आराम करने के बाद अभी बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं और अभी हम निकले हैं घर से बाहर। घर से बाहर निकले हैं कोई ख़ास जगह जाने के लिए और वो जगह है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये न्यू सोडा शॉप है जो ओपन हुई है और यहाँ पे हमें इनवाइट किया था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं टेस्टिंग के लिए। और ये देखें 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका नाम है। हाँ और ये पहले जौहर में नहीं थी लेकिन अब ये जौहर में ओपन हो गई है, तो दैट्स वेरी ग्रेट। तो आप इसका थोड़ा इंटीरियर चेक कर लेते हैं, और इंटीरियर है तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी स्पेस बनाई हुई है, ओपन एरिया है, सेटअप है, लड़कों के लिए ज़रा ज़्यादा अच्छी जगह है। और आगे बैठ के गपशप करें और अपना सोडा इन्जॉय करें, तो यही है। और ये इनका इंटीरियर है, ये इनका ऑर्डरिंग स्पेस है, साथ में इनका अंदर सोडा की जो होते हैं एक्सेसरीज वो लगी हुई होंगी। और यही है अच्छा जी का सोडा ले लिया है, और ये है पोमेग्रेनेट फ्लेवर और ये बहुत मज़े का था। साथ में ये हमारे पास है पीच फ्लेवर है और ये भी बहुत मज़े का था।
एंड व्हाट एल्स वी हैव गॉट. आई एम सो सॉरी लेकिन ये फ्लेवर मुझे याद नहीं आ रहा है. खैर ये भी बहुत मज़े का था, खट्टा मीठा सा था और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था पोमेग्रेनेट एंड पीच. खैर दैट्स ऑल फॉर टुडे और सबसे पहले टाइम वेस्ट करे बगैर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हेयर्स दिल यूज़र नेम, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी नीचे है. साथ में डू सब्सक्राइब माई चैनल. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू गिव मी मोर सजेशंस कि किस तरह के व्लॉग्स आपको देखना है. डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बहुत सारी दुआएं करें. अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट टाइम.